money. तो और जोहार, तो आज हम लोग हैं गया में, अब हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। अभी हम लोग हैं राजगीर जाने वाले रास्ते में, और ये जो पीछे आपको दिख रहा है एक बुद्धा का स्टेचू है जो अभी बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और लगता है, लेकिन थोड़ा चौड़ा है और थोड़ा ज्यादा ऊंचा है। तुम दोस्त लोग क्या हुआ था, गिरडी गए थे तो? बहुत मजा आया था ना, अब दौड़ के भाग गए थे ना, बहुत चिल्लाए। तो फाइनली पहुंच गए विश्व शांति स्तूप। राजगीर फॉरेस्ट है, द लैंड ऑफ फाइव हिल्स है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग हैं, ये विश्व शांति स्तूप है, उसके बगल में एक और टेम्पल है। इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो जो वीडियो कर रहे हैं हम बाहर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एक स्टोरी लिखी गई थी, जब महात्मा बुद्ध जो है कभी धर्म उपदेश दे रहे थे, कुछ कुट पहाड़ी है वहां पे जब उपदेश दे रहे थे, तो उन्हें आकाश में एक सात रत्नों का स्तूप दिखा था, और उन्होंने कुछ अच्छा सा उपदेश दिया था। उसका नाम है नाम म्यो हो रेंगे क्यू। तो ये जो मंत्र है, ये बाद में जापान को भी दिया गया। ये कोई अच्छा सा इसका मतलब है, पूरा आपको इसका मतलब समझ में आएगा, मुझे मतलब वहाँ पर डिटेल में लिखा। नगाड़ा, यहाँ का नगाड़ा भी बहुत फेमस है, यहाँ हम लोग रोपवेज हैं, तो नगाड़ा का साउंड अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो सुनाई भी दे रहा होगा। क्या यहाँ का भी बहुत अच्छा है, नीचे आप दिखा सकते हैं, उधर उधर दिखाई ना। इस जगह का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, पुराने वेदों में यहाँ का उल्लेख मिलता है। मगध साम्राज्य के समय में अजातशत्रु ने इसे अपनी राजधानी भी बनाई थी। तो अब हम लोग का रोपवे का पूरा जर्नी खत्म हो गया, अब हम लोग नीचे जा रहे हैं रोपवे से। जिन लोगों को रोपवे में डर लगता है, या फिर जिन लोगों को लगता है कि रोपवे बहुत डराना होता है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंगल वाला में भी थोड़ा बहुत डर लग सकता है, लेकिन ये जो 8 सीटर है इसमें तो बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि चारों तरफ से बंद है तो सेफ है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे का नजारा, क्या नजारा है। तो हम लोग गिरडी का याद ताजा करते हुए कि हम लोग ऐसे बैठे थे, बहुत मजा आया था। ब्रह्मकुंड द्वार में आपका स्वागत है। अभी हम लोग यहाँ पे नहाने जा रहे हैं, मतलब अपना पाप धोने जा रहे हैं, ये कपड़े मेरे, और पूरा रबड़ रबड़ के धोएंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग अंदर जाकर के वापस आ गए, एक्चुअली बहुत क्राउड है, और हम जैसे सोचे थे कि वैसा होगा कुंड, वैसा नहीं है। कुंड में शायद अलग गर्ल बॉयज का सेपरेशन वाला कुछ होता नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये अलग अलग होना चाहिए था थोड़ा, ये थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, नहीं तो वहाँ पब्लिक प्लेस में। और बहुत छोटा सा कुंड, साइज बड़ा होता तो सोचा जा सकता था, और वहाँ बाहर स्नान करने के लिए है, ड्रेस चेंज करने के लिए बना हुआ है, तो वो सही है। तो ये सजेशन है कि अगर कोई यहाँ आना चाहे इस कुंड पे, तो अर्ली मॉर्निंग आओ, और पानी भी थोड़ा सा, अभी काफ़ी लोग अपने पाप धो चुके हैं, तो थोड़ा ये हो गया था, तो क्लीन नहीं था। और हमने सुने थे कि वहाँ जाने के लिए अर्ली मॉर्निंग ही सही है, जिस टाइम पानी आता पूरा क्लीन होता है, और पानी बहुत गर्म था एज यूजुअल जितने कुंड का होता है, और इसलिए ही एक और कुंड है इस ब्रह्म कुंड के अपोजिट साइड में, उस कुंड में भी शायद लोग जाते होंगे। वहाँ का कैसा मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसी टाइप का कुछ होगा। अभी हम जापानी मंदिर में हैं, ये जो ब्रह्मकुंड था, आगे मम्मी, अभी हम लोग जापानी मंदिर के एंट्रेंस पे हैं, मतलब घुस चुके हैं, और ये है ब्रह्मकुंड के थोड़ा सा आगे 0.30 किलोमीटर में। आप कभी भी राजगीर आओ तो वो जो विश्व शांति स्तूप है, और वो ब्रह्मकुंड, और ये जगह जो है जापानी मंदिर, जरूर विजिट करना। वो जो नम म्यारो हो रेंगो क्यों जो था, मंत्र जो था वो यहाँ पे भी है। मैंने बताया था कि वो मंत्र जापानी को दिया गया था, बताया गया था उस मंत्र के बारे में, तो इसीलिए शायद ये जापानीज मंदिर बनाया गया है उसी मंत्र के लिए में, और यहाँ अंदर भी वो मंत्र लिखा हुआ है, और इसके अंदर भी कैमरा अलाउड नहीं है। चलो सही है, कैमरा अलाउड नहीं है तो, क्योंकि हर जगह अगर कैमरा से सब कोई देख लेगा तो अंदर को यह देखने नहीं आएगा, आई थिंक सो। तो मेरा ये सो ट्रिप शायद यहाँ आसपास ख़त्म होता है, और
आसपास में हम लोग के झारखंड के आसपास में आपको लगता है कि और भी कोई घूमने वाली जगह जैसे गया राजगीर के अलावा तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हम इतने को देखें कि मेरा व्यू नहीं बढ़ रहा है, तो थोड़ा मेरा लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा।